Welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Muskan. I really appreciate if you will take a moment and subscribe to my channel. आज है माशाल्लाह हमारी सातवीं सहरी और आज की सहरी इतनी स्पेशल है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, मतलब कि सहरी करने. आज घर में सहरी नहीं करेंगे, आज हमने डिसाइड किया कि आज हम बाहर जाके सहरी करेंगे. तो मैंने सोचा मुझे इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा वीडियो बनाने का. अभी बस मैं रेडी हुई, मैंने चेंज किया है और बस नीचे चलते. 3 बज गए ताकि हम जल्दी से अपनी लोकेशन पर पहुँच सके और खाना खा लें टाइम ओवर होने से पहले. सो लेट्स गो. रात के इस पहर हम ये देख रहे थे कि लाहौर कितना खाली है, मतलब कि जिस जगह हम अपने घर से अराउंड 40-45 मिनट्स में पहुंचते थे वहाँ आज हम खाली लाहौर में 16 मिनट में पहुंच गए. मतलब कैन यू गाइस इमेजिन द टाइम डिफरेंस बिटवीन 16 मिनट्स एंड 45 मिनट्स. तो पता नहीं क्यों इतनी ट्रैफिक है लाहौर में, मुझे तो समझ नहीं आती है. इट्स गेटिंग वेरी मच. हम पहुँच चुके, वो देखिए बिल्कुल हम तो यहाँ जा रहे हैं. जो भी को नींद आ रही है. ओ नो, जो भी तुम तेल लगा के आयो. किसी की रिपोर्ट पढ़ रही है, आगे भी है. हेलो, गाला इन जगह बंद कर दे, कॉपीराइट हो जाएगा. अब हमारा खाना आ गया है. कई सहरी बंद होने में 40 मिनट रह गए हैं और हमारी सहरी अभी तक नहीं आई. हम 25 मिनट से यहाँ बैठे हैं waiting for the food and the manager have no answer why it's getting late. ye mara hai shukr ho mara khana aaya. ha bag utha lo, maine kaha aaj main puri khaungi. roz to parathe khate hain. साथ लस्सी, वैसे मैं लस्सी पीती नहीं लेकिन आज लस्सी पी है. चलो आज की सहरी घर की टेबल से अलग. नहीं था ये पंगे ले लिए यहाँ पे लोगों के साथ. मैंने आपके लिए नहीं लड़ना, मैं पहले बता दूँ. फजूल लेने पंगे ले लोगों के साथ, जो भी ने पहले मुँह उधर कर लिया, उधारों ने उधर कर लिया, पंगे ले रही है लोगों के साथ. भाई बिल दे दे यार. बिल नहीं दे रहे हमारा यार, पहले खाना नहीं दिया, आप बिल नहीं दे रहे. पता नहीं चाहते क्या लोगों को खाना लाई जा रहा है, हमारा खाना ही नहीं ला रहे. बस हमारे पास ही नहीं आना, हमारी टेबल पे ही नहीं आना, हमारा भी नहीं आना. सबको सर्व हो रहा है. चाय की कोशिश करने जा रहे हैं, शायद मामा लड़ने जा रही है, मुझे नहीं पता. लेकिन हम यहाँ ले आएंगे, अभी तक बिल नहीं आया हमारा. ये सारे वेले बैठे नहीं जाला, तो वहाँ नाश्ता नहीं दे रहे, कोई भी नहीं है. चाय मामा लड़ने लग गई. चल लड़ के थक गए, देखो लो अब मांगने वाले से भी लड़ रही है. मामा वहाँ जाके कह रही है चाय कौन बना रही है. आए हैं सहरी वाले पैसे, कुछ चीज कम्प्लीमेंट्री भी दो. मामा क्या हो गया, बेइज्जती कराई जा रही है आज तो. भजन डोनट का क्या कह रहे थे? मैं डोनट सजेस्ट कर रहा था, इसके साथ डोनट लाइक करेंगे आप. फ्री नहीं मिले, ला फ्री करे तो फिर भी समझ में आता. सहरी करा दे मम्मा, नहीं जाना. चाय ठंडी हो रही है, जो भी दबाता सूटे लाने का.
मामा को लस्सी नहीं पिलानी आज के बाद। ऊपर करो मग। किसके ऊपर करूं? ऊपर से फेंको, ठंडी होगी ये चीज। अपने चाहते हैं कि उजाला का हाथ झड़ जाए। नहीं गुता कोड़ी लाइट दे रही हूँ, रजान भी हो जाएगी। एक मिनट चाय सॉरी सीरियसली एक घंटा क्या उजाला एक मिनट कब गिर गया था? क्या तुम्हें क्या तुम एक मिनट में चाय पिएगी? अपने अजय मौलवी साहब नहीं बैठे होने अजान में तो पी ले। वुमन आज आपने क्या पिया? क्या पी के आई है घर से आप? एल पकाई में इनको एल चढ़ी बस बात ही है। लस्सी पी ली इन्होंने नींद की दवाई के ऊपर लस्सी। नाइस, मैंने इतनी नींद आ रही है ऊपर से लस्सी पिला दी है। गाइज अब मैं घर आ गई हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है तो मैं आप लोगों को सुबह मिलूंगी। सुबह हो गई है और आज हमारे घर में इफ्तारी है हमारी खाला की, तो अभी मैं हम उसकी प्रेप्स करने लगे हैं। मैं नीचे आई हूँ और बस करते हैं उसकी प्रेप्स। चल ये है सैंडविच का बैटर, इसे अभी आलू और बंद गोभी पता नहीं डलनी है, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। मम्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी है क्योंकि बाकी फ्राइंग का काम तो ज़्यादा बजी करती हैं, और टेबल मैं ही लगा दूंगी। बाकी बना के आपको दिखाते हैं। मैंने ऑर्डर किया था स्किन केयर, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, इट्स पाकिस्तानी लेकिन ये कोरियन टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बड़े अच्छे, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। मामा आप मेरी हेल्प करें। गाइस ये दोनों लड़कियाँ मुझे व्लॉग नहीं बना दे रही, इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं। रोज आज इनका रोज है दोनों झूठी। यस आप आ जाओ प्लीज, कल रख लेंगे। चलो तुम इधर हो जाओ, कल रखोगे? असल आवाज में बोलो जिसमें बात करनी है। हाँ, कल हम रोजा रखेंगे, कल रखेंगे इंशाल्लाह। इसमें वाकई बहुत ग्लो आ जाता है। अगर आपको ग्लोई स्किन चाहिए तो आप प्लीज इस ब्रांड के सीरम यूज करें। इनका नाइट के लेदर सीरम है, मॉर्निंग के लेदर सीरम है, और कितने बड़े स्टिकर आए इस बार। ये मेरे फेवरेट स्टिकर्स हैं, इनको मैं अपने फोन के बैक साइड पर लगा दी। ये फ्री है, थैंक यू सो मच। और ये इनका स्कैन है, आप इसको स्कैन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्कैन करें, आप इनकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। अब हम इनकी पैकेजिंग देखें जी। नॉर्मल कोई ऐसे ब्रांड नहीं पैकेजिंग देता। ये है मेरा फेवरेट ग्लो सीरम, ये मैं मॉर्निंग में भी लगाती हूँ, नाइट में भी लगाती हूँ, बट जिस दिन मैं रात को ये नहीं लगाती तो मैं रात को इनका दूसरा सीरम लगाती हूँ। वो मेरे पास ऊपर दो पड़े हैं अभी। प्लस आई एम ट्राइंग देयर न्यू सनस्क्रीन, पहली दफ़ा यूज़ करने लगी सनस्क्रीन, मैंने कभी इनकी सनस्क्रीन नहीं यूज़ की, और ये इनकी सारी स्पेशलिटी सब कुछ है, व्हाट मेक्स इट मैजिकल, एंड इट्स वीगन पेपन फ्री, एंड ये सब इसके वो है, हार्श केमिकल कोई भी नहीं है इसमें। और ये देखें, और ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। ये वाला सीरम है ना, ये मेरी ऑलमोस्ट 7th या 8th बॉटल है, और इसे ब्राइटन्स फेस डार्क स्पॉट एंड शाइन श्रिंक्स पोर, और ये वाकई बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा ग्लो देता है। ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली लाइक अभी आपने लगाया तो अभी के अभी ग्लो आ जाएगा, नहीं, ये परमानेंट वाला ग्लो देता है स्लोली स्लोली, बट गिव्स यू वेरी ब्यूटीफुल ग्लो। एंड आई एम एक्साइटेड ट्राई दिस बिकॉज गर्मी आ रही है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सनस्क्रीन अगर आपके पास नहीं है तो अभी ऑर्डर कर लें, और ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट होगा ये। मैं लेकिन आपको इसके बारे में मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी कि ये मेरे जो जो
लोगों की मेरे जैसी स्किन है, मतलब कि एक्नी प्रोन, थोड़ी सी एक्नी निकल आती है, उनके लिए अच्छा है कि नहीं, मैं यूज़ करके आपको बताऊँगी। क्या प्रोडक्ट है ये देखो, ये सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने इनका सनब्लॉक भी मंगाया, ठीक है, कि गर्मियाँ आ गई है ना, मैंने कहा इनका ट्राई करके देखते हैं। गुड है, बस मैं भी पकौड़े बनाने जा रही हूँ, खाना निकल गई, चलो चलो मैं भी बिरयानी बन गई, कोरमा बन गया, आप पकौड़े बना। गुड, अभी हम किचन में आते हैं। नए ड्रेस नहीं मैंने मंगवाए थे, मेरे मामा ने मंगवा के दिए थे, 1-2-3 दिए लॉन के हैं, क्योंकि आज गर्मी है, हाँ बहुत गर्मी, मैंने भी लॉन, तो मैं अब लॉन का ये ड्रेस अब निकाल के पहन लें, क्योंकि रोज़ा चलो रमज़ान में नया ड्रेस ही पहन लें। ये इस ब्रांड की तरफ से, और इसके पास काफ़ी अच्छे कपड़े होते हैं घर में पहनने के लिए, मतलब इजी वेयर, आप पहन के कहीं भी जा सकते हो। सो अभी मैं लेवेंडर पहनूंगी, पर्पल, लाइलक, जो भी, बाकी दो बाद में। तो गाइस रोज़ा खुलने में बस 1 घंटा रह गया, हाँ तो गाइस रोज़ा खुलने में बस 1 घंटा रह गया और खाला भी निकल गई है, तो मैं अभी बस रेडी होने लगी हूँ, कपड़े जब तक इस्त्री हो रहे हैं तब तक मैं थोड़ा मुँह को सही कर लेती हूँ, बस मुँह को भी क्या ही सही करना है, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने अब कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और हल्का हल्का मेकअप भी कर लिया है, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है ना, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं नीचे जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इफ्तारी की क्या क्या तैयारी होनी, जितना मेरा था पार्ट वो तो मैं कराई थी, अब बाकी सबका अलग अलग पार्ट है, अब देखते हैं कि कितना कितना काम हो गया। चलो चले, खाला भी आ गई, बाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा फिर आपका तो सही चीजें पकी है। हाँ। अच्छा? जी आज का क्या मेन्यू है? आज का मेन्यू है समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, सैंडविच, रुअफ़ज़ा, बिरयानी, कोरमा, खजूर। एक घर के एक बात थे, फ्रूट चाट दही भले कौन बताएगा? पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े मिक्स वेजिटेबल, ये देखो बैठे, चल बिरयानी, और ये कोरमा। ये हमारी आज की माशाल्लाह इफ्तारी की टेबल है, ये सैंडविचेस जो मैंने आपके साथ सुबह बनाए थे, ये समोसे जालाबाजी ने फ्राई किए, वो कचौड़ी और समोसे, फ्रूट चाट, दही भले, पकौड़े मामा अभी भी फ्रेश बना रही हैं, और ये रूह अफ़ज़ा का जग है, रूह अफ़ज़ा के बगैर तो कोई इफ्तारी नहीं ना कम्प्लीट हो सकती। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या खाया। चलो 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 जल्दी बैठो, खाला बैठे, खाला रोजा खोले, खजूर मेरे खाली बात कर रहे, ये ले बिस्मिल्लाह, ये फोन तोड़ लिया, आई नो ना चुक जमीन पे मार रहे, मैं ये नई वाला फोन है कवरेज, कल को मुकर ना जाए, मेरा रोजा निकलवाया। हमारा रोजा खुलने में कितने मिनट रह गए को बताएगा? 4-3 ये जैन भी कह रहे हैं, और हम अफ्तारी करने लगे हैं। या अल्लाह पाक रोजा जल्दी खुलवा दे, आमीन। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं इफ्तारी के बाद, वो तो ज़रूरी होती है ना, साथ हम थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं, जिसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। घर से घर तक की बर्फ़ी आई है जी, आपके साथ अनबॉक्स करते हैं, ये खोए वाली स्पेशल प्रो मैक्स बर्फ़ी है। बाजी थोड़ा छोटा, मैं सुबह उतले छोटी पे ही जी, जैन लो भी पहले आप खाएं, बाबी लो,
उसे बाप को सेंटर में बताया मजे की है ना, मजे की है, फ्रेश है। लोग जो है ना साइकिल चला रहे हैं, जैन भाई वो मामा और खाला जा रहे हैं, इतनी दूर चले गए कि कैमरे में दूर लग रहे हैं। जैन भाई इधर नजर ही नहीं आ रही, किधर चले गए हैं हमारे करीब ही। अब हमने खाना खा लिया, अब हम बाहर वॉक करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं हमने अफ्तारी कर ली, हम वॉक करने आए ताकि हम खाना खा सके। getting uncomfortable, that's why मैंने कहा कि वॉक करना। ये व्लॉगर्स खुद दुबाती है। okay. अच्छा तब हमने अफ्तारी कर ली है, अफ्तारी हमने आपको अच्छी खाना खिलाया हमने कि नहीं? अफ्तारी was very good, माशाल्लाह मजा आया। चलिए अब हम अच्छा खाना भी है, खाने का भी पूरा में बरकत डाले, इनके खाने का भी पूरा इंतजाम किया हमने। तो अब हम खाना चाहिए का इंतजाम हो रहा है पूरा, सारी भी कर जाइएगा लेकिन इतना लंबा मत रुकिएगा। अब हम वॉक कर लें जरा ताकि हम इनको जल्दी खाना खिला के जल्दी भेज दें। गंदे राजे होते ना कर दे कैसे मैं भाई को मार दूं। अक्का मुंबई पे राज करेगा, अक्का मुंबई पे मार नहीं रही थी। नहीं कहां से मर रही अन्नी, कह रही मर रही मुझे खड़ी है फॉर हेल्थ। मुझे मेरी भी नहीं, मैं ब्रेड मसाला नहीं खाती, डॉक्टर्स कहते हैं आप क्या इंडो पाकिस्तान कहते था, इंडो पाकिस्तान लोग खाते हैं ये लाल मिर्च। आखा चली इनको स्पाइसी हम नहीं तैयार की है, गोरे को भी लगा। अच्छा तो फिर मतलब आप स्पाइसी खाना, आपको स्पाइसी खाना पसंद है कि नहीं? मुझे मॉडरेट स्पाइसी। अच्छा अखा आपको 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 लेस स्पाइसी, नॉट इवन मॉडरेट, मतलब मुझे बहुत मुझे नॉर्मल नॉर्मल बहुत कम मिर्च जरूरत ही नहीं है खाने की, जरूरत क्या है आपको? आप ही मुझे तो स्पाइसी पसंद है यार, जो काम हुजूर ने ना किया वो ना करें, उसमें हमारी बेहतरी। उन्होंने कितने मॉडरेट से खाने खाए, नॉन घिया खाया, फीके खाए हैं। फ्रेंड्स अभी बस मैं यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ और अभी मैंने खाना खाया, खाला वगैरह अभी भी गए हैं, इट्स अराउंड 1:05 हो रहे हैं। तो मैं सहरी तो नहीं खाऊँगी क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया, सहरी करने की हिम्मत ही नहीं। तो अब मैं डायरेक्टली सोने लगी हूँ, मैं आपको कल मिलूँगी सुबह के वक्त। तो बाकी अपना ध्यान रखें एंड माशाल्लाह अपनी रोज़े गुजरेंगे, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन बाय।